आज से ठीक 10 महीने पहले मैंने 2 पार्ट की एक सीरीज बनाई थी मोबाइल फोटोग्राफी के ऊपर। उनमें मैंने टेक्निकल साइट्स कवर की थी और साथ ही साथ में बताया था कि कैसे कंपोजिशन की जाती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी टिप्स के बारे में मोबाइल फोटोग्राफी की जो आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी इस वीडियो में। सबसे पहली टिप है आपका HDR मोड। YouTube पर दुनिया जहां के आपको लोग मिल जाएंगे जो फोटोग्राफी में ये ज्ञान पेल रहे होंगे कि HDR मोड में फोटो खींचा करो, बहुत बढ़िया फोटोज आएंगे। HDR का मतलब है हाई डायनेमिक रेंज। लगभग हर मोबाइल के अंदर ये ऑप्शन होता है और जो वो बता रहे हैं यूट्यूबर्स की HDR से क्या होता है वो एक हद तक ठीक भी है। बेसिकली HDR मोड के अंदर 3 फोटोज जब आप क्लिक करते हो तो खींचती है। एक फोटो होगी जिसमें आपकी शेडोज को ध्यान में रखा जाएगा, एक में मिड टोन्स को और एक में हाईलाइट्स को। तो तीनों फोटो को मिला के आपकी नॉर्मल फोटो से थोड़ी बेटर फोटो आपको देखने को मिलती है। लेकिन ये चीज सिर्फ तब काम करती है जब आप बहुत अच्छी लाइट में धूप के अंदर फोटो खींच रहे हो और आपके पास टाइम हो। अगर तो आप अंधेरे में फोटो खींच रहे हैं या फिर ऐसी जगह फोटो खींच रहे हैं जहां पे कम लाइट है तो HDR के अंदर जब आप फोटो करने लगोगे तो फोटो है आपकी काफी ज्यादा ब्लर हो जाएगी। और नए फोन्स तो ठीक है, लेकिन जो बजट वाले फोन्स होते हैं 10-12 हजार की रेंज वाले, उनके अंदर HDR मोड में जब आप फोटो करोगे तो वो काफी टाइम लेते हैं प्रोसेसिंग होने में। तो काफी बार ऐसा भी होता है कि आप फोटो पे क्लिक कर रहे हो और फोटो प्रोसेस होने लगी है, आपका मोमेंट मिस हो जाता है, सेकंड फोटो आप क्लिक नहीं कर पाते हो। तो HDR का जो ऑप्शन है आपको बाय डिफॉल्ट बंद करके रखना है और धूप के अंदर अगर आपके पास टाइम है तो खींच सकते हो, वरना HDR ऑफ करके रखो अपना। ज्यादातर HDR जो है आपके बजट फोन्स के अंदर वो कामयाब नहीं होगा। सेकंड टिप है आपकी टिल्ट शिफ्ट। ये बेसिकली एक ऐसा इफेक्ट है जो काफी पहले काफी ज्यादा पॉपुलर सा हुआ था। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपका जो एक सब्जेक्ट होगा उसके ऊपर फोकस है और आसपास की चीजें ब्लर है। लोग इसको एडिटिंग से अचीव करने लगे थे, लेकिन आज के टाइम पे लगभग हर फोन के अंदर बाय डिफॉल्ट ही आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। अब टिल्ट शिफ्ट का ऑप्शन आप जब ऑन करेंगे तो आपके फोन में बेसिकली एक सर्कल बना आएगा या फिर एक लीनियर सी लाइन बनी आएगी जिसके अंदर आपका फोकस होगा और आपके साइडों में ब्लर होगा। दोनों ही ऑप्शन आते हैं, सर्कुलर भी और लीनियर भी। आप दोनों में से कोई भी चूज जब करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि कौन सी चीज पे आपका फोकस हो रहा है। अब इन फोटोज को देख के समझ आ रहा होगा आपको कि टिल्ट शिफ्ट किस तरीके से इफेक्ट आपकी फोटो पे देता है। लेकिन इसके साथ साथ में एक और चीज पे फायदा आप उठा सकते हैं टिल्ट शिफ्ट का, स्पेशली अगर आपके पास छोटा फोन है जिसमें बैकग्राउंड ब्लर वगैरह अच्छे से नहीं होते हैं। तो आप टिल्ट शिफ्ट का ऑप्शन ऑन करेंगे तो आपके कैमरा में एक सर्कल सा बना आएगा, उस सर्कल के बाहर जितनी भी चीज होगी आपकी स्क्रीन पे वो सारी ब्लर रहेगी और सर्कल के अंदर जो भी चीज रहेगी वो फोकस में रहेगी। तो आप पोर्ट्रेट मोड की जगह सर्कुलर भी खींच सकते हैं या फिर लीनियर में भी आप फोटोज खींच सकते हैं। उससे बेसिकली आपकी फोटो का इफेक्ट भी अच्छा दिखेगा और आपको उसमें बार बार फोकस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो भी चीज सर्कल के अंदर होगी वो ऑलरेडी फोकस में रहेगी। आपको सिर्फ ब्राइटनेस बढ़ानी है, कम ज्यादा आप कैसे भी कर सकते हैं। बहुत इजी तरीके से इसमें आपको फोकस लॉक मिलेगा और आपकी जो ब्राइटनेस है आप कम ज्यादा कर पाएंगे। तीसरी टिप है आपकी फ्लैश। कभी भी अपने फोन की जो फ्लैश है उसको फोटो के लिए ऑन मत करिएगा, लेकिन उसी फ्लैश को आप एज ए वीडियो लाइट यूज कर सकते हैं अपनी फोटोज के लिए। अब आपने कई बार फोटो लेने की कोशिश करी होगी अंधेरे में फ्लैश ऑन करके, आपको समझ ही नहीं आता होगा कि फ्लैश किस टाइम चलेगी और मतलब कि फ्रेम कैसे सेट होगा, फोकस करने लगेंगे, फोकस करते टाइम भी इतने में फोटो खिंच जाती है तो ठीक से ज्यादातर फोटो नहीं आ पाती। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी बहुत बार हुई थी स्टार्टिंग में। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि जो आपके फोन की फ्लैश है उसको आप एज ए टॉर्च ऑन कीजिए। ज्यादातर कैमरा के अंदर ही ऑप्शन भी आ जाता है कि टॉर्च की तरह यूज करना है या फिर फ्लैश मारनी है, तो आप टॉर्च की तरह इसको यूज कीजिए, आपके कमरे में काफी अच्छी रोशनी भी नजर आएगी। उस रोशनी के अंदर आप अपने फोन को फोकस भी कर सकते हैं, फ्रेम भी बना सकते हैं और आपकी जो कंपोजिशन है वो ओवरऑल अच्छी देखने को मिलेगी अंधेरे में भी। और जो आपकी फोटो है वो मतलब जब लाइट कंटिन्यूस पड़ रही है तो आपको खींचने में भी आसानी रहेगी। इस टिप के बाद गाइस मैं एक छोटी सी चीज मेंशन करना भूल गया कि जो मैंने टॉर्च वाली बात बताई है ये आपको अपने फोकस को लॉक करने के लिए और अपनी कंपोजिशन को लॉक करने के लिए है। ऐसा नहीं कि आप टॉर्च में फोटोज खींचेंगे, टॉर्च की जो पावर होती है बेसिकली आपकी फ्लैश की पावर से थोड़ी सी कम होती है, तो टॉर्च आपको सिर्फ ऑन करनी है ताकि आप अपना फ्रेम सेट कर सके। ऐसा नहीं कि टॉर्च में आप गदागद फोटोज खींचे जा रहे हो, मजा नहीं आएगा उन फोटोज में। बेसिकली आप पहले फ्लैश ऑफ करो
टॉर्च ऑन करो, अपना फ्रेम और अपना फोकस लॉक कर दो, उसके बाद फ्लैश ऑन, मतलब उसके बाद आप टॉर्च को ऑफ कर दो और आप अपने फ्लैश वाले ऑप्शन को ही वापस से ऑन कर लो, तो आपका काम जो है गुड हो जाएगा जी, ठीक है ना। तो ओके बाय। तो गाइस ये तीन ऐसी टिप्स है मेरे हिसाब से मोबाइल फोटोग्राफी की जो आपको कोई नहीं बताएगा। ये मतलब ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता कि इस तरीके से भी हम काम कर सकते हैं। और ऐसी छोटी मोटी और टिप्स कुछ हैं जो आपको अगर देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हम इसी को लेकर फ्यूचर वीडियोज बनाए या फिर इसको यहाँ पे खत्म कर दें, क्योंकि इसकी बहुत सारी डिमांड्स आ रही थी तो मैंने सोचा चलो बना देते हैं। अब आपका फैसला है कि आपको ऐसी और टिप्स देखनी है फोटोग्राफी के ऊपर, मोबाइल फोटोग्राफी के ऊपर, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम फिर बना देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे इस महीने के अंदर, तो मजा आ जाएगा, तो करवा दो गाइस। हम मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।